जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की वीडियो राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो आपका पेंडिंग में चल रही है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आप सबके सामने है। अखबार की कटिंग जो आपके सामने है, इसमें हम बताएंगे कि क्या यहाँ पे अभी चल रहा है। मीटिंग में जो हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। बाकी यहाँ पे इस अखबार को एक बार नजर मार लेते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के जो भी साथी हैं सब तक ये बात पहुंच सके। इस अखबार में क्या दिया गया है उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। 5 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो सफाई कर्मी पूरे राज्य में करेंगे आंदोलन, यानी कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं सभी आंदोलन कर लेंगे, फिर सफाई नहीं होगी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आवश्यक बैठक की। हेरिटेज निगम में आयोजित हुई बैठक में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि अगले 5 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो राज्य भर में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डांडोरिया ने बताया कि 10 जनवरी को स्वायत्त शासन के निदेशक को 3 दिन का अल्टीमेट देते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहले भी निदेशक हृदय कुमार शर्मा को 7 दिन का टाइम देते हुए ज्ञापन दिया गया था। तब उन्होंने बताया था कि 100 दिन की कार्य योजना में सफाई भर्ती प्रक्रिया को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 दिसंबर को सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था और आश्वासन दिया था कि भर्ती प्रक्रिया की पत्रावली का परीक्षण कराकर शीघ्र भर्ती कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 14 दिन बाद भी अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होने से सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। तो प्यारे साथियों, इसके पीछे की पूरी कहानी आप लोग जान लीजिए। जो आप लोगों को मैं बता दूं सारी चीजें, देखो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी वहां पे, उस मीटिंग में फैसला किया गया था या तो 10 तारीख से पहले पहले कोई अपडेट डाल देती है विभाग की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है, नहीं तो 10 तारीख को स्वायत्त शासन विभाग को 10 जनवरी को एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। हालांकि अल्टीमेटम पहले भी दिया था लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने उसे एक्सेप्ट करके और सांत्वना दी थी कि आपका भर्ती आ जाएगी, हम करवाएंगे प्रोसेस। लेकिन भर्ती को 14 दिन हो गए फिर भी भर्ती नहीं आई, तो मेरे भाई अब 10 तारीख को फिर से 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन में या तो नोटिफिकेशन निकालो, भर्ती की सूचना निकालो, नहीं तो फिर होगा पूरे राजस्थान में आंदोलन। और मेरे भाई अगर आंदोलन हुआ तो भर्ती आपकी जस्ट आ जाएगी 15 जनवरी से पहले पहले। और मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोगों को भी आंदोलन में आना है। अगर आंदोलन की स्थिति होती है तो आप लोगों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे आप वाल्मीकि समाज से हैं या किसी अन्य समाज से हैं, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों को भर्ती चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो मैदान में उतरना भी आपको पड़ेगा और हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और प्यारे साथियों, 10 से 3 दिन का यानी कि 11, 12 और 13 तारीख तक अगर भर्ती का नहीं दिया जाता है कुछ भी, तो फिर होगा आंदोलन और आंदोलन भी जबरदस्त होगा मेरे भाई। कोई सफाई कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। जब स्थिति खराब होगी तो फिर विभाग को भर्ती निकालनी ही पड़ेगी, सरकार को भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। प्यारे साथियों, आप लोग चिंता ना करें, जनवरी के अंत तक आपकी भर्ती आने की 100% गारंटी है। आपकी भर्ती आएगी और भर्ती होके रहेगी। बाकी कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।